डेंगी फीवर एक वायरल फीवर है, इसको हम लोग हिमरेजिक फीवर बोलते हैं, माने इससे आपको खून के रिसाव का खतरा बढ़ता है, आपकी जो प्लेटलेट नाम की जो रक्त सेल में सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, आपके जो खून की रक्त धुनियाँ हैं वो पतली हो जाती हैं, छन्नी जैसी बन जाती हैं, और जिससे उसका आपके रक्त से पानी बाहर रिसाव करने लगता है और आपके बाकी शरीर के अंगों में फैलने लग जाता है। तो डेंगू फीवर एक हेमरेजिक फीवर है। डेंगू फीवर कोई भी सिम्टम नहीं कर सकता है, जैसे कि वो खाली बुखार कर सकता है, खाली शरीर में दर्द कर सकता है, और ये कभी कभी गंभीर भी हो सकता है, जैसे ये लगातार दस्त होना, लगातार उल्टी होना, आपके ब्लड प्रेशर, रक्तचाप आपका अचानक गिर जाना, आपका कंफ्यूजन हो जाना, आपको समझ में कम आने लग जाना, कभी कभी आपके दिल में प्रभावित कर देना, आपके फेफड़ों में पानी आ जाना, शॉक में चले जाना, अचानक आपका बीपी पूरा कम हो जाना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, आपकी किडनी में, आपके हार्ट में, आपके लंग्स में इसका प्रभाव पड़ जाता है। डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट हमेशा सिम्टोमेटिक होता है, मींस कि यदि डेंगू फीवर हल्का सा है, हल्का बुखार कर रहा है, तो आपको कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, पैरासिटामोल नाम की टैबलेट लेते रहें, कोई ब्रूफेन डिस्प्रिन नाम व्यक्ति चीज़ें ना लें ताकि आपका रक्त का रिसाव ना हो, आप अपने टेम्परेचर को कम रखें, पानी ठीक से पीते रहें। बट यदि आपको बार बार लगातार उल्टियाँ होती हैं, दस्त होती हैं, आपको खून आने लगता है किसी भी जैसे दांतों से, मुंह से, या आपके पैरों में खून के जो धब्बे पड़ने लग जाते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है, सांस फूलती है, ऐसे में आपको भर्ती हो जाना चाहिए इलाज के लिए।